आसिफ और आप देख रहे हैं स्पिन नहीं न्यूज। हरीश रावत, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो नाराजगी है उसको समझाने गए थे, उनको जो है सुलझाने के लिए गए थे और खुद फंस गए। उन्होंने एक बयान दिया जिससे अकाली दल को जो है आहत पहुंची है, उन्हें वो नाराजगी पहुंची है, उनके धार्मिक भावनाओं को भटकाने की कोशिश किया गया, ये आरोप हरीश रावत पे लगा है। यानी वो खुद जो है मसला को सुलझाने के लिए गए थे और खुद वो अपने मसले में फंस गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इससे भी अच्छी बात ये है कि हरीश रावत ने जो है माफी मांग ली है, क्योंकि अकाली दल के लोगों ने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके धार्मिक आहत को जो है ठेस पहुंचा है। लेकिन इस बीच में सवाल ये भी है कि आखिर ये जो कांग्रेस में जो ये मसला फंसा हुआ, खासकर पंजाब के लोग, क्योंकि वहां चुनाव भी होने हैं, और इस बीच में उनके पार्टियों में असहमति बरतना, उनके पार्टियों में नाराजगी चलना, आखिर इसको कहां तक ले जाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी फिर से पंजाब का जो है चुनाव होने वाले हैं, क्या उससे हाथ धोने वाले हैं? क्योंकि तरह तरह के सवाल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक तरफ सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों के बीच में जो है जुबानी जंग से लेकर तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं, दोनों में जो है कभी असहमति नहीं बनी है, और इस बीच में जब नेता जाते हैं तो खुद तरह तरह के बयान देते हैं, उन्हें माफी मांगना पड़ता है। तो चुनाव सामने है, लोग की उम्मीदें सामने हैं, काम कैसे करना ये सामने है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी साफ कहा है कि लोग काम काज पर ध्यान दें, कैसे लोगों का दिल जीतना है, लोगों के लिए काम कैसे करें, ये इस पे हम लोगों को ध्यान देना है। तो अलग अलग नेताओं के अलग बयान आ रहे हैं और इस बीच में इन लोगों के झगड़े में जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो पीसते जा रहे हैं, उन्हें क्या करना है कुछ समझ में नहीं, क्योंकि इन लोगों का झगड़ा अभी तक सुलझा भी नहीं है। और यही वजह है कि बड़े बड़े नेताओं से इन लोगों का मीटिंग हो रहा है, आज भी मीटिंग है, इसमें फैसला क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी। अब सवाल ये है कि आखिर हरीश रावत जो गए थे उनका झगड़ा सुलझाने, वो खुद फंस गए, तो अब कौन ऐसे नेता है जो उनके मसला को सुलझाएंगे? फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं स्पिन9 न्यूज़।